हेलो फ्रेंड्स, ये है वीडियो नंबर 17 और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 10 बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए CTET और सभी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही ये हेल्प करेंगे आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। और इससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 to 16 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप इजीली इस आई बटन पे भी जाके देख सकते हैं वो सारी वीडियोस। और इसके अलावा भी मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर साइकोलॉजी से बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं, साथ ही हमने साइंस के या ज्योग्राफी के बहुत सारी और भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो वो सारी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर जाके एक एक करके देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो इसमें भी हम डिस्कस करते हैं 10 बेस्ट क्वेश्चंस और ये मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग अ स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल है जो कि सिर्फ गर्ल्स को यानी कि लड़कियों को ही क्या कर रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है। किसके लिए? वो एक तैयार कर रहे हैं स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग के लिए। सोलो यानी कि सिंगल, मतलब कि या फिर लड़का हो या फिर लड़की, गाना जब स्टेज पर गाते हैं तो वो सोलो सॉन्ग भी हो सकता है, सोलो डांस भी हो सकता है, सोलो म्यूजिक भी हो सकता है। वो सोलो का मतलब क्या है? सिंगल है। ओके, तो उसमें सिर्फ किसको प्रेफरेंस दी जा रही है? लड़कियों को यानी गर्ल्स को। तो ये क्या दिखाता है? दिस रिफ्लेक्ट्स, हमारे ऑप्शन हैं, पहला ये है कि ये दिखा रहा है आपको प्रोग्रेसिव थिंकिंग। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ऑप्शन ग्लोबल ट्रेंड, यानी कि एक तरह का फैशन है ये कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, जिसे आप फेमिनिज्म कहते हैं। या फिर सी है प्रैग्मेटिक अप्रोच। देखो, प्रैग्मेटिक अप्रोच हमें किसने टर्म दी थी? वो थे हमारे जॉन डेवी। ओके, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो जॉन डेवी ने प्रैग्मेटिक का मतलब बताया था कि कोई भी एक लर्नर है यानी चाइल्ड है, वो जब तक नहीं सीखता, जब तक कि वो खुद वो काम नहीं करता, इट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, बिना करे वो क्या सीख नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक अप्रोच। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा जेंडर बायसनेस। तो जेंडर बायसनेस क्या होता है आपका? जेंडर बायसनेस हमारा क्या होता है कि एक हम अनुमान लगा लेते हैं यानी प्रीजज कर लेते हैं मेल को या फिर फीमेल को, कि अगर वो मेल का काम है तो सिर्फ मेल ही करेगा, मीन्स लड़के ही करेंगे, या फिर अगर ऐसा काम है जो फीमेल करती हैं तो वो वही करेंगी। इट मीन्स हमने प्रीजज कर लिया, एक तरह से अपना एक बना लिया है, ठीक है। तो वो जेंडर बायसनेस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सोलो सॉन्ग के लिए सिर्फ गर्ल्स को प्रेफरेंस जा रही है, तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे जेंडर बायसनेस दिखाई जा रही है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, की विकास का सिद्धांत इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो आपका विकास का सिद्धांत है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि यहाँ पे लगातार नहीं चलता, रुक रुक के चलता है। इट मीन्स, तो हमें जैसा पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, वो क्या है? कंटिन्यूअस चलता है, यानी कि बर्थ से लेकर टिल डेथ तक वो क्या होता है? डेवलप होता रहता है, ठीक है। बर्थ से लेकर टिल डेथ तक कोई भी पर्सन है, कोई भी चाइल्ड है, वो क्या करता रहता है? डेवलपमेंट करता रहता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ शरीर का डेवलपमेंट नहीं, दिमाग का भी डेवलपमेंट, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, ऑल ओवर डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं, विकास के जितने भी प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या है? ये सही है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, तो ये बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बिकॉज देखो, जैसे कि बर्थ हुआ, ठीक है ना, बर्थ से हम गए चाइल्डहुड में, फिर हम गए मिडल चाइल्डहुड में, फिर हम गए लेट चाइल्डहुड में, ओके, फिर हम गए कहाँ, एडोलसेंस में या प्री एडोलसेंस कह सकते हो, फिर एडोलसेंस में गए और लास्ट में लेट एडल्टहुड में आ गए, और फिर लास्ट में हमारा मेच्योरिटी या फिर डेथ कह सकते हो। तो बर्थ से लेके हमने ये सारी चीज़ें कैसे की हैं, वो बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कनेक्ट है कि नहीं? कनेक्ट है, यानी इंटरकनेक्टेड है, यानी कि चेन बन रखी है एक पूरी, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी प्रोसेस पहले हो जाएगा और बाद में ही हो जाएगा, यानी आप पहले चाइल्डहुड यानी कि इसमें मिडल चाइल्डहुड में नहीं आ सकते बिना चाइल्डहुड आए हुए। तो ये क्या है, सारे पॉइंट या सारे लिंक क्या है, कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ लिखा है नॉट इंटरकनेक्टेड, तो ये एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग है पॉइंट या ऑप्शन।
सेकंड मतलब सी कह रहा है, सी ऑप्शन है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ओके, ये कह रहा है कि सभी के लिए यानी ऑल ऑल पर्सन्स के लिए या ऑल इंडिविजुअल के लिए वो क्या है, सेम पेस नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। यानी कि ये बिल्कुल ठीक है कि सभी के अंदर हमारा क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सभी के अंदर एक जैसा नहीं होता है। मतलब कि चाहे वो बॉडी ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी से हो, सबके अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, किसी का मेंटल एबिलिटी थोड़ा लेट बढ़ता है या लेट सीखते हैं। ओके, तो सेम पेस फॉर मतलब सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल है, ठीक है ना। तो सी वैसे हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। लास्ट है आपका, डेवलपमेंट इज लीनियर। तो जैसा मैंने अभी सेकंड ऑप्शन में आपको समझाया कि क्या है, इंटरकनेक्ट होता है। इंटरकनेक्ट का मतलब दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू दिस, यानी अब मान लेंगे ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट मीन्स एक लीनियर लाइन बना रहे हैं। तो डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, हमेशा लीनियर होता है। बट यहाँ पे नॉट लिखा है, तो इसलिए इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, तो इस तरीके से सेकंड का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन। स्टूडेंट है यानी कुछ स्टूडेंट है क्लास के, वो क्या कर रहे हैं कि कोई लेसन अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, द टीचर शुड, तो टीचर क्या करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं एक एक ऑप्शन आपको डिस्कस करके बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन है यूज ऑडियो विजुअल एड्स टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। थर्ड है आपका लीव द क्लास, यानी क्लास को छोड़ के चला जाएगा, तो ये वैसे ही क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लास्ट है आपका बिगिन ए न्यू वर्क, यानी कि उस चीज़ को छोड़ के, यानी उस लेसन को छोड़ के कोई नया काम दे दिया जाए या नया टास्क दे दिया जाए क्लास रूम में, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी। तो लेट हम मान लेते हैं कि वो टीचर क्या कर रहा था, ऑडियो और वीडियो का यूज़ कर रहा था। इट मीन्स जैसा कि हम जानते हैं आजकल क्लासरूम में क्या है, एक प्रोजेक्टर लगाया जाता है, यानी कि स्मार्ट लर्निंग जिसे कहते हैं प्रोजेक्टर, तो उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ दिखाई जाती है। बट मान लेते हैं कि फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए टीचर को। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, चेंज द मेथड ऑफ द टीचिंग, यानी कि टीचिंग का तरीका उसको चेंज करना है। ओके, ये नहीं कि क्लास को छोड़ के चले जाना है या उस लेसन की जगह दूसरा कोई वर्क दे दिया जाए और आप फ्रस्ट्रेट होकर चले जाओ। इट मीन्स यू चेंज द मेथड ऑफ द टीचिंग। ओके, तो आपको क्या है, टीचिंग का तरीका चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। जो आपका डूइंग है वो आपका जो बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है किसके अंदर आपका होगा, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से। फर्स्ट है हमारा कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, बी है हमारा अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, सी है साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग, एंड लास्ट डी कोग्नेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन बी सी और डी, ये जो हमारे तीनों आते हैं अफेक्टिव कोग्नेटिव और साइकोलॉजी, ये हमारे आते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो हमारा जो बचा, हमारा कौन सा बचा, कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर किस में हमारा आएगा, वो आएगा कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में। तो इस तरीके से हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस भी नेगलेक्ट करने हैं जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप विकास का सिद्धांत को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हो कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, आप ये जान चुके हो, तो आपको यानी टीचर को, यानी आप एक टीचर हो, यानी टीचर फ्यूचर में बनोगे या फिर आप हो या कहीं पढ़ा रहे हो, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स अमंग द लर्नर्स। बी ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। कह रहा है कि डेवलपमेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से आप उन स्टूडेंट्स के यानी लर्नर के बारे में सोशल स्टेटस जानोगे कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो छोटी जात से हैं, बड़ी जात से हैं, या कैसे हैं, मतलब आप उनका सोशल स्टेटस पता करोगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जान के। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। बी सी हमारा आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड,
यानी कि आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बैकग्राउंड से हैं या गरीब से हैं या एवरेज है मिडिल क्लासरूम से हैं, तो ये भी क्या है, ये सब हमें नहीं करना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जान के। लास्ट है डी, रेशनलाइजिंग वाई द लर्नर्स ओट टू बी टॉट, कि लर्नर्स को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, कि आप उसमें उनको छांटोगे कि किस लर्नर को पढ़ाना है किस लर्नर को नहीं पढ़ाना है या क्यों आए हैं स्कूल में ये पढ़ने के लिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स अमंग द लर्नर, तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर किस में सेकेंड में शायद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हम जान जाते हैं कि व्यक्ति का विकास यानी कि एक इंडिविजुअल का विकास डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, कोई थोड़ा एवरेज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, कि जो लर्नर्स होते हैं उनका सीखने का सबका तरीका क्या होता है अलग अलग होता है। तो एक टीचर होने के नाते प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमें ए ऑप्शन जो है वो हेल्प करेगा ए, ठीक है, कि अगर वो जल्दी नहीं सीख पा रहा है तो हमें या तो मेथड बदलना पड़ेगा, ठीक है, टीचिंग मेथड बदलना पड़ेगा, या आप जो अच्छा लगता है उसको उस वे में पढ़ाना पसंद करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन विल एबल टू लर्न इन सच एन एनवायरमेंट वेयर, अच्छा बच्चे वहाँ ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं, कहाँ पे कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो सीखना पसंद करते हैं या सीखेंगे, वेयर ऑप्शन हैं हमारे, दे विल गेट प्रॉपर स्पेस फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, जहाँ पे उनको एक मतलब एक ऐसा स्पेस मिले जहाँ पे वो एक्सपीरियंस और फीलिंग कर सकें किसी भी चीज़ की। ऑप्शन नंबर बी है, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, कि उनको प्ले मतलब खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसे एनवायरनमेंट में वो सीखना पसंद करते हैं, या फिर सी ऑप्शन है, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स, यानी दोस्त बनाना पसंद करें। एंड लास्ट है, देयर इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो जैसे ही एक नेगेटिव कमेंट आता है तो वैसे ही हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो खेलना और दोस्त बनाना, ये भी ये बताऊं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा, बिकॉज अगर एक प्रॉपर स्पेस है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस का मतलब इसके अंदर वो फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनके इमोशंस को समझेंगे, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है, दोस्त बनाएंगे, और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि अपने लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनको ऐसे एनवायरनमेंट में सीखना या चीज़ें पसंद करेंगे, ठीक है ना, सीखना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टूडेंट लर्न्स पंक्चुअलिटी फ्रॉम हिज टीचर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक स्टूडेंट है कोई रेंडमली, एक स्टूडेंट है क्लास का, वो क्या करता है अपनी टीचर की पंक्चुअलिटी को सीखता है। अब यहाँ पे पंक्चुअलिटी क्या होगी, कि टीचर क्या कर रहा है क्लासरूम में, बिल्कुल टाइम आज से आ रहा है, टाइम से आ रहा है, लेट नहीं हो रहा, टाइम से जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की पंक्चुअलिटी वो चेक करता है, बिल्कुल टीचर के बिहेवियर कैसा है, बहुत अच्छा है, टीचर हमें कभी डांटते नहीं है, किसी भी चीज़ को वो पहले नेगेटिव वे में नहीं ले जाते हैं, इस तरीके से उनका पंक्चुअलिटी बिहेवियर है। तो ये एग्जांपल क्या है, दिस इज़ कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए वर्बल लर्निंग, क्या ये वर्बल लर्निंग हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। बी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा, बट और ऑप्शन देख लेते हैं हम, सी क्या है, स्किल लर्निंग, एंड डी है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। देखो यहाँ पे आप बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ठीक है, तो मैं आपको अगर जो भी डाउट आ रहा होगा माइंड में तो क्लियर कर देता हूँ। देखो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि वो एक पर्सन का ही मतलब सेम पर्सन में ही होती है लर्निंग, जैसे आपने कोई चीज़ प्रीवियसली सीखी है और वही चीज़ सीखी हुई अगर दूसरे वर्क में काम आ रही है, मतलब आप सेम पर्सन हो, एक ही इंडिविजुअल हो, तो वही चीज़ अगर दूसरे में काम आती है, दूसरे चीज़ में हेल्प करती है, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये सिंगल पर्सन में होता है, ठीक है, बट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, आप किसी को देख के चीज़ों को कॉपी करके सीखते हो, तो वो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी आप देख के कोई चीज़ या आप किसी को आइडल मानते हो और उसको कॉपी कर करके सीख रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो बी क्या है इसका, करेक्ट आंसर होगा 7 का। तो आई होप आपको बी और डी में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे, बट यहाँ पे सिंगल पर्सन में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कोई स्टूडेंट है और उसके लर्निंग में गैप है, यानी कि कोई चीज़ वो नहीं सीख पा रहा है या कोई भी गैप हो सकता है, वो रेंडमली कुछ भी हो सकता है, शुड बी फॉलोड बाय, तो हम डायग्नोस किस लिए करते हैं, उस गैप को कम करने के लिए, किसी की भी
अगर लर्निंग में प्रॉब्लम है, उसको कहीं पे दिक्कत आती है, तो उस गैप को हम डायग्नोज करते हैं, ये पता लगाते हैं कि वो किस वजह से नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो क्या होती है, ए ऑप्शन है हमारा इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा उसको अभ्यास करा के, या फिर बी है अप्रोप्रिएट रिमीडियल मेज़र, या उसको हम रेमेडी करें, उसको हम कम करें। तो कम करने के लिए जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले वो बीमारी को डायग्नोस करता है, पता लगाता है कि आखिर ये किस वजह से हुई है, यानी वो रिमीडियल मेज़र देता है, फिर आपको बताता है कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सिस्टमेटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन, यानी कि अगर हम पूरे लेसन का सिस्टमेटिक रिवीजन करते हैं तो ये बिल्कुल गैप को फिल कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। लास्ट है रिपोर्टिंग टू फाइंडिंग टू लर्नर्स एंड पेरेंट, मतलब कि आप पता करते हो उनकी गलतियों को, लर्नर की गलतियों को रिपोर्ट करते हो किसको, उनके पेरेंट्स को और साथ ही लर्नर्स को भी। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी हो जाएगा, अप्रोप्रिएट रिमीडियल मेज़र, हम उसका कमी का पता लगाएंगे कि उस इंडिविजुअल को या उस स्टूडेंट को किस चीज़ में कमी आ रही है, कि वो किस वजह से वो चीज़ नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन है अ टीचर शोज इरिटेशन ओवर ट्राइवियल मिस्टेक, ट्राइवियल का मतलब है यहाँ पे स्मॉल मिस्टेक, ठीक है, कमिटेड बाय चाइल्ड, यानी कि एक टीचर है जो कि इरिटेट हो जाता है अगर किसी स्टूडेंट ने या बच्चे ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो, या कॉमन ही गलती बार बार वो कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इट इंडिकेट्स दैट, तो ये क्या दिखाता है, ऑप्शन है हमारे ए ही इज़ अ वेल विशर ऑफ द चाइल्ड, कि वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह, यानी कि वेल विशर होते हैं ना, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऐसा चाहते हैं वो, ये ऐसा दर्शा रहा है। या फिर ही हैज़ लैक ऑफ नॉलेज, कि उस स्टूडेंट के पास या उस चाइल्ड के पास ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है। या फिर ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए वो बार बार ऐसी गलतियाँ कर रहा है। या फिर ही इज़ नॉट इमोशनली पोइज्ड, यानी कि वो इमोशनली पोइज्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, ही इज़ नॉट इमोशनली पोइज्ड। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग NCEF 2005। जैसा हमें पता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हम पढ़ते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट है। तो NCEF का क्वेश्चन जरूर आता है आपको एक या दो नंबर के, चाहे वो पेपर वन में हो या फिर टू में हो, दोनों में NCEF से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कि ये एक संविधान में संशोधित चीज़ होती है, कि संविधान में इसको संशोधन करके दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे इंडिया में स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है NCEF। ओके, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बी ऑप्शन है, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय NCERT, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने क्या किया है, बनाया है, विच इज़ प्रेजेंटिंग सजेशन रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। वो ये बताती है कि किस तरीके से हमारे पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में, तो वो NCEF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2004 को फॉलो करें, 2005 को फॉलो करें, कि हर एक का प्राइमरी का अपना एक करिकुलम होना चाहिए, फिर ऐसे ही सेकेंडरी का, फिर या हायर सेकेंडरी का अपना करिकुलम होना चाहिए, फिक्स्ड करिकुलम, तो उस पर वो वर्क करें। तो इस तरीके से हमारा जो बी है ये ट्रू स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग, NCEF 2005 के रिगार्डिंग। सी ऑप्शन है, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय यूनेस्को, ये बिल्कुल नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो यूनेस्को ने दिया है। और लास्ट है नन ऑफ द अबव, तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो आपका बी है वो क्या करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने 10 मोस्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और साथ ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ये बहुत ही ज़्यादा। तो आई श्योर ये आपको समझ आया हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।